वक्त की बड़ी खबर, किसानों का आंदोलन जारी, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची किसानों की लड़ाई। किसानों ने कानूनों के खिलाफ दायर की है याचिका। किसानों और सरकार में नहीं बन रही बात। कृषि कानून वापस लेने पर अड़े हैं किसान। लगातार बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची किसानों की लड़ाई। किसानों ने कानूनों के खिलाफ दायर की है याचिका और किसानों और सरकार में नहीं बन रही है बात। लगातार किसानों का हल्ला बोल जारी है। 16वां दिन है किसानों के प्रदर्शन का, लेकिन लगातार बैठक के बाद भी बात नहीं बन रही है। किसानों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। कृषि कानून वापस लेने पे किसान लगातार अड़े हुए हैं। बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर, किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, सुप्रीम कोर्ट तक किसानों की लड़ाई जा पहुंची है। किसानों ने कानूनों के खिलाफ दायर की है याचिका और किसानों सरकार में बात नहीं बनती हुई दिखाई दे रही है। कृषि कानून वापस लेने पर लगातार किसान अड़े हुए हैं। किसानों के प्रदर्शन का 16वां दिन है, लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है। तो कृषि कानून के मसले पर किसानों और सरकार के बीच बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। सरकार संशोधनों का हवाला देते हुए किसानों से आंदोलन खत्म करने की बात कह रही है और किसान अब कानून खत्म करने पर अड़ गए हैं। और आपको बताते चले कि किसानों ने अब आंदोलन तेज करने की बात कही है और सड़कों के बाद रेल सेवा जाम करने का आह्वान भी किया है। दूसरी ओर सरकार ने एक्शन लेना शुरू भी कर दिया है। आपको बताते चले कि सिंगू बॉर्डर पर डटे कुछ किसानों पर केस दर्ज भी हो चुका है और अब किसानों का मसला सुप्रीम कोर्ट तक जहां पहुंचा है। तो लगातार बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, सुप्रीम कोर्ट तक किसानों की लड़ाई जा पहुंची है। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ गए हैं दिल्ली से। राजीव, बड़ी खबर है किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, लेकिन अब किसानों की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, एक चीज से स्पष्ट है, किसानों की जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं अब केंद्र सरकार से, और केंद्र सरकार पीछे नहीं हटना चाह रही है, ना ही किसान पीछे हटने जा रहे हैं। मगर एक स्पष्ट है, इसके अंदर दोनों की लड़ाई में आम जनता पीछे चली जा रही है। मगर हर तरीके से केंद्र सरकार अब धरना प्रदर्शन जो है, किसानों की जो आवाज है उसको दबाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो धरना प्रदर्शन है उसको हटाने के लिए किसानों पर पुलिस कार्रवाई भी की जा रही है, केस दर्ज भी किए जा रहे हैं। यहाँ तक की जो इनकी लड़ाई है अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट देखना होगा क्या एक्शन ले पाती है, कि सरकार को वो ऑर्डर देती है या फिर जो प्रस्ताव दिया गया है किसानों को क्या उस पर सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। मगर एक चीज स्पष्ट है, दोनों के बीच में यानी किसानों के और सरकार के बीच में अभी सहमति बनती नजर नहीं आ रही है किसी भी एंगल से, क्योंकि किसान अड़े हुए हैं कानून वापस लेने के लिए और सरकार चाहती है जो प्रस्ताव दिया है उसी पर ही किसान अपने घर वापस लौट जाए। मगर अभी भी जो बीच का रास्ता है वो नहीं बनता नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे भी खटखटाए गए हैं और कहीं ना कहीं ये उम्मीद की जा रही है सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को या फिर किसानों को एक कह सकते हैं गाइडलाइन जारी करे, और ताकि इन दोनों की लड़ाई है वो खत्म हो, ताकि उसमें से जो जनता पिछ रही है उसका कहीं ना कहीं सोल्यूशन हो सके। जी राजीव, क्या लगता है कि याचिका दायर करने के बाद किसानों को कुछ राहत मिलेगी? देखिए, बिल्कुल राहत के लिए तो ही किसानों की तरफ से याचिका लगाई गई है और कहीं ना कहीं ये उम्मीद की जा रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो शायद केंद्र सरकार को एक ऑर्डर दे सकती है कि आप किसानों की जो मांग है कितनी जायज है उस पर दोबारा से सहमति बनाएं, और सहमति बनाने के साथ साथ कानून अगर वापिस कर सकते हैं तो वापिस कीजिए, नहीं तो जो संशोधन किया जा सकता है वो संशोधन कीजिए। मगर कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जब 12 दिसंबर को किसानों का जो बड़ा आंदोलन तेजी पकड़ता नजर आ रहा है, यहाँ तक कि कह सकते हैं जो NH-48 पर जो प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है, यानी दिल्ली जयपुर हाईवे को बंद करने की कोशिश की जा रही है। वहां पर दिल्ली पुलिस के और कह सकते हैं और राज्यों की पुलिस के कहीं ना कहीं 2000 से ज्यादा जवान लगाए गए हैं और कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है इनको प्रदर्शन को समाप्त करवाने की, मगर किसान अभी भी पीछे हटना नहीं चाह रहे हैं। जी राजीव, इसी के साथ जो जिस तरीके से किसानों सरकार के बीच गतिरोध जारी है, तो वहीं अब बात भी बनती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन उसी के बीच अब पीएम मोदी ने अपील की है और इसी दौरान उन्होंने कहा है कि कृषि मंत्री के रूप को सुने।
देखिए एक चीज तो स्पष्ट है, बेशक केंद्र सरकार की तरफ से तमाम जो बड़े नेता हैं, यानी कृषि मंत्री हुए या फिर अमित शाह हुए, खुद नरेंद्र सिंह मोदी जी हुए, उन्होंने भी अपील की है कि किसानों से कि किसान सरकार का जो प्रस्ताव है वो काफी हद तक जायज है, क्योंकि वो उनपे जितना संशोधन कर सकते थे कर दिया है। और यहाँ तक की जो किसानों के हित की बात है, यानी किसानों को जो बेनिफिट देने की बात है, इस कानून के अंदर काफी चीजें दी गई है। 16 दिसंबर को है ना देश भर में प्रदर्शन, किसान पीछे हटना नहीं चाह रहे हैं। तो राजीव, देश भर में अब 14 दिसंबर को किसानों ने ऐलान कर दिया है कि देश भर में प्रदर्शन किया जाएगा, क्या अब क्या लगता है कि प्रदर्शन का असर अब सरकार को अब ज्यादा दिखेगा या नहीं? देखिए बिल्कुल, जो है जिस तरीके से किसानों ने कहा है कि हम प्रदर्शन और ज्यादा उग्री करेंगे और राज्यों को भी इसके साथ लेंगे, और कहीं ना कहीं तमाम जो रास्ते हैं देश के वो सभी रास्तों को जाम करने की कोशिश करी जाएगी। यहाँ तक कि किसान है पूरी तरीके से अब लड़ने के मूड में बैठा हुआ है, यानी कि आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार बैठा हुआ है, मगर कहीं ना कहीं सरकार भी उनके आंदोलन को कम करने की कोशिश कर रही है, इसीलिए सुरक्षा व्यवस्थाएं भी बढ़ाई जा रही है और किसानों पर केस भी दर्ज किया जा रहा है, क्योंकि कोविड का हवाला भी दिया जा रहा है, यहाँ तक कि सोशल डिस्टेंसिंग का हवाला भी दिया जा रहा है, और यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि आप लोगों को परमिशन नहीं है फिर भी आप लोग बैठे हुए हैं और जितना सरकार कर सकती थी उतना कर दिया है, मगर कहीं ना कहीं अभी भी बीच का रास्ता नजर नहीं आ रहा है ना ही सरकार की तरफ। तो क्या लगता है, अगर आपने वहाँ पर जाकर स्थिति का जायजा लिया, किसानों से बातचीत की, तो किसानों का क्या कुछ कहना है, आखिर क्यों नहीं मांगों को माना जा रहा है? जैसे किसानों की बात करें तो किसानों से जब हमने बातचीत की थी उसमें यही कहा गया था किसानों ने कि जब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं लेगी हम पीछे हटने वाले नहीं है, चाहे बेशक सरकार कितनी भी वार्ता कर ले हमसे, हम वार्ता के लिए पीछे कभी भी मना नहीं कर रहे हैं और कितनी भी वार्ता करेंगी हम उसके लिए तैयार है, मगर सरकार जब तक कानून वापस नहीं लेगी हम पीछे हटेंगे नहीं। मगर सरकार के साथ जितनी भी वार्ता हुई है उसके अंदर सिर्फ कह सकते हैं मुंह जवानी या फिर थोड़ा बहुत संशोधन करने के लिए जरूर कहा गया था, खुद लास्ट में अमित शाह ने जो पांचवी वार्ता के बाद में जो कह सकते हैं जो अमित शाह ने बैठक बुलाई थी, गिनती के 13 नेता बुलाए गए थे, उसमें भी संशोधन। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तिवारी तमाम जानकारी देने के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।